झूठ नहीं है भाई, मनवीर यदि प्रेम माना तो मनवीर बाद में जब वीकेंड पे सलमान ने आपको डांटा तो आपका सपोर्ट क्यों नहीं किया किसी ने? तो सपोर्ट करेगा उनके कहने पे आपने? हाँ, क्योंकि वो धोखेबाज है, मनु मनवीर धोखेबाज है, वो कैप्टन बन चुका था, इसीलिए उसको मेरा सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि वो नोएडा का था, दिक्कत ये है, आज आप कितनी भी सफाई दे दें, मुझे नहीं, आपको बोलने का पूरा मौका मिला है, मुझे सफाई देने आपको पूरा मौका मिला है बोलने का, मुझे आपसे आप कितनी भी सफाई दे दीजिए, लोगों ने देखा है कि आपकी हरकतें बहुत ही घटिया थी, महिलाओं का आप सम्मान नहीं कर पाए अंदर, पूरे देश ने देखा, इन सभी आप कभी लोगों पर खून के छींटे फेंक देते हैं, कभी वहाँ पर तंत्र विद्या शुरू कर देते हैं, कभी आप किसी पर पेशाब फेंक देते हैं, ये सारी डोंट स्पीक मैं भी सकता हूँ, डोंट स्पीक आप बैठिए, नो ठीक से बैठिए, नो आप ठीक से बैठिए, मैं कहा था आप ठीक से बैठिए, मेरा बनाइए आप ठीक से बैठिए डोंट स्पीक, क्या है, क्या समझते हैं अब, क्या समझते हैं अपने क्या है स्वामी जी, अब क्या समझते हैं? मैं क्या करूँ यार, मेरे हो रहा था, यहाँ बयान नहीं कर रही है लोग, मैं क्या करूँ प्रियंका, इस तरह से मेरी बेइज्जती करेंगे, ये मेरी करेंगे बेइज्जती, इस तरह से मेरी तबीयत खराब है, इस तरह से बकवास कर रहे हैं, ये सवाल के जवाब तो आपको देने स्वामी जी, ये आपको समझ ये आपको समझने का, देखो एक संत को है प्लीज मेरी बेइज्जती मत कीजिए, मेरी तबीयत खराब है, मान और अपमान में समझना संत की सबसे बड़ी खूबी है, और आपने यही तपस्या मांगी थी, मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे नहीं करना है ये सब, नहीं करना है, एक संत की सबसे बड़ी तपस्या है मान और अपमान को समझना, आप शांत होकर बैठ जाइए, आप शांत होकर बैठिए, आपने जो घटिया हरकत अभी की उसका जवाब मुझे देना आता है, लेकिन मैं स्वामी ओम नहीं हूँ, नहीं स्वामी जी मुझे स्वामी ओम नहीं बोलना, सच्चे संत को मान में और अपमान में सम रहना है, और ये मैंने आपको सिखा के बिग बॉस में भेजा था, आपको नहीं पता था आपका अपमान होगा, मैं साथ आप शांत होके जवाब दो, कि पानी फेंकना यहाँ मैं इससे सहमत हूँ, आप बैठे सवाल के जवाब दो, मैं आपके साथ मैं आपको प्लीज जैन साहब आप ही सवाल का जवाब दीजिए, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, एक कुर्सी और लगाइए, ठीक है, और आप भी थोड़ा आप बताइए बाबा जी क्यों करते हैं, मुकेश जी पहले अपना परिचय दीजिए, आप अपना परिचय दीजिए, दर्शक आपको नहीं जानते, अपना परिचय दीजिए, मैं बाबा के साथ, एक मिनट इनको माइक लगाया जाए, अगर माइक होते ओके okay, अब सवाल नहीं करेंगे, अब मुझे जवाब देने दो, आराम से बैठिए बाबा, शांत हो जाइए आप मेरे अब यहाँ जाइए मेरे से सवाल करिए, अब मेरे से सवाल करिए सर, हाँ जल्दी बुला दो, मेरे से सवाल, मारो ना, 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 म
मुसलमानों कितने मुसलमान भगा दो, कितने सामान भगा दो, मानो ये 56,000 सामान के बताएगा।